इसके लिए मैंने मम्मी को उस स्पॉट को और स्निफर डॉग को यहाँ पे डॉग स्पॉट को भेज दिया और मैं खुद भी जा रही हूँ। बिहार के गया में एक सरकारी स्कूल के पास बम धमाका किया गया है। जानकारी के मुताबिक स्कूल के पास बम फटने की घटना शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे हुई। धमाके से गया में अफरा तफरी मच गई है। लोग काफी ज्यादा डरे हुए भी हैं और बम विस्फोट के बाद 2 बच्चे भी घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए वजीरगंज स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बम फटने की खबर मिलते ही मौके पर बम निरोधी दस्ता पहुँच कर जांच में जुट गया है और साथ ही साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और पुलिस बल पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के एक स्कूल के पास बम धमाके से गांव में हड़कंप सा मच गया। इस मामले पर गया एसएसपी हरप्रीत कौर ने बताया है कि मामले की खबर मिलते ही बम निरोधक दस्ते को भेज दिया गया है। बम धमाके की जांच की जा रही है। हाँ, अभी एक सूचना भी जस्ट मुझे मिली है, मुर्गियाचक गांव है, वहाँ पे जो जर्दा का शायद डिब्बा होता है उसमें बताया गया है एक बम फटने की वो आया है सूचना, जिसके लिए मैंने बम डिस्पोजल स्क्वाड को और स्निफर डॉग को यहाँ पे डॉग स्क्वाड को भेज रही हूँ और मैं खुद भी जा रही हूँ स्पॉट पे। उसमें 2 बच्चों का माइनर इंजरी का बात आया है, खेलने गए हुए थे तो वो बताया है अभी थाना प्रभारी, मैं जाके फिर कुछ देखूंगी। अभी दोनों घायल बच्चों की पहचान 10 साल के सतेंद्र कुमार और 9 साल के नीरज कुमार के रूप में की गई है। घायल बच्चा सतेंद्र 4th क्लास और नीरज कुमार 3rd क्लास में पढ़ता है। स्कूल में बम फटने की घटना से 2 बच्चे घायल हो गए, वहीं धमाके की आवाज सुनकर 4 बच्चे भी बेहोश हो गए, उनका इलाज भी स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। जर्दा का शायद डिब्बा होता है उसमें बताया गया है एक बम फटने की वो आया है सूचना, जिसके लिए मैंने बम डिस्पोजल स्क्वाड को और स्निफर डॉग को यहाँ पे डॉग स्क्वाड को भेज रही हूँ और मैं खुद भी जा रही हूँ स्पॉट पे। उसमें 2 बच्चों का माइनर इंजरी का बात आया है, खेलने गए हुए थे तो वो बताया है अभी थाना प्रभारी, मैं जाके फिर कुछ देखूंगी। अभी बहरहाल 2 बच्चे विस्फोट के बाद घायल हो गए हैं और फिलहाल इसकी जाँच की जा रही है। फटने की वो आया है सूचना, जिसके लिए मैंने बम डिस्पोजल स्क्वाड को और स्निफर डॉग को यहाँ पे डॉग स्क्वाड को भेज रही हूँ और मैं खुद भी जा रही हूँ स्पॉट पे। उसमें 2 बच्चों का माइनर इंजरी का बात आया है, खेलने गए हुए थे तो वो बताया।